ये कपड़े वो कपड़े, अरे सारा प्रॉब्लम मेरे कपड़ों से है ना, तो सब फेंक देती हूँ ये सब। कपड़े क्यों फेंक रही हो यार? तुम्हें पता ही कौन सी ड्रेस है? ये वो ड्रेस है जो मैंने हमारी फर्स्ट डेट पे पहना था। अब तो तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम होगी ना, तो इसे भी फेंक देती हूँ। एंड बाय द वे, मैं शादी से पहले भी ऐसे ही कपड़े पहनती थी और इन्हीं कपड़ों में देखकर तुम्हें मुझसे प्यार हुआ था। यार मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि शादी के बाद ऐसा क्या चेंज हो गया है। अरे बेबी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड यार, हमारी शादी हो चुकी है हाँ? और जब शादी होती है ना, तो दो लोग आपस में नहीं जुड़ते, दो फैमिली जुड़ती है। और मेरी फैमिली को ये ग्लैमरस लाइफ समझ में नहीं आती है, इसीलिए यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ आफ्टर मैरिज। फैमिली को नहीं समझ आ रही है तो एटलीस्ट तुम्हें तो समझना चाहिए ना। खुद एक फिल्म मेकर हो कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे फिल्म मेकर हो तो क्या हुआ, लोग कुछ भी बोलेंगे तो मैं सुनता जाऊं। तुम्हें पता है लोग क्या बोलते हैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे कपड़ों के बारे में क्या बोलते हैं लोग, तुम्हें मालूम है? मैं दोस्तों के बीच में जाता हूं ना तो मेरा मजाक उड़ाया जाता है, रिलेटिव्स फोन करते हैं, तरह तरह के ताने मारते हैं, तुम्हारी फोटोज भेजते हैं ग्रुप पे, फैमिली ग्रुप हो, दोस्तों का ग्रुप हो, हर जगह तुम्हारी फोटो भेजी जाती है, तुम्हारे बारे में बात होती है। हिम्मत सुनने की तुम्हें, दिखाओ क्या बातें होती है तुम्हारे बारे में, दिखाओ ये। हाँ ये भी कर लो, अब यही रह गया है ना, जिस इंसान को मैं अपनी शील्ड समझती आई, आज वही इंसान मुझे हर्ट कर रहा है। यार ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया है मैंने? मैं एक एक्ट्रेस हूं, ये सब नॉर्मल है मेरे लिए, एटलीस्ट तुम तो समझ सकते हो ना। अरे सॉरी यार, अब तुम रो मत प्लीज। देखो आई नो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, बट I'm sorry. I'm sorry. I love you. Yeah. Yeah, I understand your point. But sometimes it becomes so difficult for me to deal with all the comments people make on you. आज थोड़ा ज्यादा हो गया यार, बट आई लव यू। एक सेकेंड, एक सेकेंड, क्या बात है, क्या रोती है मेरी हीरोइन? ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती होगी ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस है। आई लव यू। ए रो मत अब। Baby, I just got this message. HRF will be distributing a film. HRF? Yes. Means you will get maximum screens and or worldwide release. Oh, hey baby, come. I'm so happy for you. My star wife. I'm so happy for you. Happy for us, my love. I'm so excited. मैं क्या सोच रही थी, एक बार वर्मा साहब को मिलकर ना पर्सनली थैंक यू बोल देती हूँ और वहां से ही डायरेक्टली आई विल गो फॉर माय ट्रायल्स, ओके? हाँ हाँ, पक्का पक्का पक्का। ओके, I'm so excited. काम नाम, काम नाम। ओके, बाय। हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। इतना उधर उधर। इतने अच्छे काम के लिए जा रही हो? नहीं नहीं नहीं। थोड़ी सी, थोड़ी सी।
हाँ माँ, हाँ बस वैसे ही, बस कॉफी बना रहा था, सुबह से काम ही कर रहा था ना। हाँ देखी ना, अभी वही बस वो फिल्म मिली ना उसको, नहीं तो उसी के लिए। क्यों डिलीट क्यों करवानी है? अरे माँ फिल्म मिली है तो फिल्म के लिए फोटो डाली है ना उसने, डिलीट क्यों करवानी है अब? अरे कहाँ की सोसाइटी? अरे तो मतलब अभी मैं ऑफिस जाऊं और उससे फोटो डिलीट करवाऊं? अरे माँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है माँ ठीक है। अरे उसे आने तो दो, ऑफिस गई है, मैंने बोला तो अभी आपको। हाँ ठीक है, मैं डिलीट करवा दूंगा, ठीक है, ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे जितने भी छोटे कपड़े हैं ना, इन सबको उठा के बाहर फेंक रहा हूं, ठीक है? ये क्या बात कर रहे हो? मैं क्या बात कर रहा हूं? क्या जरूरत थी ये फोटो डालने की जो तुमने अभी डाली है ये इंस्टाग्राम पे, बिकनी में फोटो? अरे लेकिन अभी तो तुमने उस पोस्ट पे लाइक और कमेंट भी किया था। अरे यार, और मैं तो हमेशा से ऐसे ही पोस्ट डालती आई हूं ना, यू नेवर हैड एनी प्रॉब्लम देन। अरे प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है। कितनी बार समझाऊं तुम्हें मैं, हमारी शादी हो चुकी है और जब शादी हो जाती है ना तो दो लोग आपस में नहीं जुड़ते हैं, दो फैमिलीज आपस में जुड़ती है। और मेरी फैमिली बहुत सिंपल है, उन्हें ये चीजें समझ में नहीं आती है। ये जो फोटो डाल रही हो ना तुम, ये कुछ समझ नहीं आता उन्हें। तो उन्हें समझना पड़ेगा ना। मेरे फ्रेंड के प्रोड्यूसर रिलीज से पहले मेरी एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, दैट ऑफ अ डीवा। अरे तुम, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। क्या नथिंग इज रॉन्ग विद दैट? नथिंग इज रॉन्ग विद दैट? यार तुम्हें उंगली दो तो तुम सर पे खड़ी होकर नाचने क्यों लगती हो? आज तुम बोल रहे हो कि नथिंग इज रॉन्ग विद दैट, कल को टॉपलेस हो जाना और टॉपलेस होके बोलना नथिंग इज रॉन्ग विद दैट, और परसों को नंगी होके दुनिया के सामने नुमाइश लगाना अपनी, नथिंग इज रॉन्ग विद दैट। जा चुका हूं 50 बार, समझ में नहीं आता है। अब ये ड्रामा मत करो मेरे सामने। हेलो, कौन बात कर रहा है? अरे मेरी बीवी का फोन है, बीवी को फोन किया। क्या कहाँ? नहीं नहीं नहीं, ओके ओके, मैं आता हूं, मैं पहुंच रहा हूं बस। Thank God you are fine. I thought I lost you forever. I got so scared, baby. I'm so sorry. I'm so sorry for everything. आज के बाद मैं तुम्हें तुम्हारे हर फैसले में सपोर्ट करूंगा। सपोर्ट ही नहीं करूंगा, ये जितने भी लोग हैं ना, ये जितने भी जजमेंटल लोग हैं, इन सब की घटिया सोच से भी तुम्हें बचाऊंगा मैं। डोंट एवर लीव मी।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा, क्योंकि तुम हो तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। वैसे ये लास्ट वाली लाइन तो बागबान मूवी में थी ना।